Hey guys, welcome back to another vlog. और जैसे कि मैं था अपने घर पे, तो मैं बोर हो रहा था और वैसे भी हम लोग शूट पे जाने वाले थे, बट भैया का प्लान पटना का बन गया, वो चले गए, तो मैं अकेले बैठ के बोर हो रहा था और बैठा था मैं अपने बगीचे में। अभी तो मैं घर पे बैठा हूँ, मतलब यहाँ डाइनिंग टेबल के पास, तो वहाँ पे बैठे बैठे मेरे को आइडिया आया कि यार क्यों ना दिखाएं आप लोगों को अपना बगीचा। और प्लस मैं टॉप फ्लोर पे भी गया था, तो उधर भी बहुत कुछ देखने को मिला, तो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले आप देखिए मेरा बगीचा, मेरा नहीं अखिलेश जी का बगीचा है, क्योंकि इनका देखभाल भैया ही करते हैं, जो कि ये रहा। कुछ वीडियो, और ये सारे पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं, इधर फूल है, इधर बहुत सारे पौधे हैं, और इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अखिलेश भैया, तो अगर कुछ बनता है तो ये इस पे लिखा जाएगा एक्सपेरिमेंटेड बाय एक के भाई। ठीक है, तो ये सारे फूल्स हैं और फूल ही हैं ये, और इधर कुछ पौधे लगाए हैं शायद, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी मतलब बहुत कुछ लगाना बाकी है और बहुत कुछ लगाएंगे लोग भी, और प्लस इधर कुछ फूल वूल हैं, ये देखिए, और ये सब। तो ये तो हमारा बगीचा हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने टॉप फ्लोर से कुछ मार्केट का नज़ारा, प्लस हम लोगों के टॉप फ्लोर पे बैक साइड का नज़ारा, तो चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग हैं ऊपर, और ऊपर का थोड़ा हालत ख़राब है, क्योंकि ऊपर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है। और ये रहा हम लोगों का ऊपर भी, मतलब करकट रखा गया है, ऊपर का भी रूम है, ये रहा एक रूम, ये रहा और दूसरा रूम, ये रहा और ये है सीढ़ी, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को बहुत मस्त नज़ारा दिख रहा है मार्केट का, मैं बैक से दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो ये रहा बाजार का कुछ नज़ारा, और एक टाइम लैप्स वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको भी अपलोड करूंगा। हो सके तो शॉर्ट्स में करूं, या फिर इसी वीडियो में मैं टाइम लैप्स भी डालूंगा, जो कि बहुत मज़ा आता है गाइस देखने में। और इधर कुछ नज़ारा है जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, जो है हमारे घर के बैक साइड का। तो अभी तो इधर का हालत ख़राब हुआ पड़ा है इस रूम का। ये देखिए, ये सारा सामान इस पर रखा गया था, बट पता नहीं कैसे इस पर से गिर गया है नीचे, और ये हाल हो गया। शायद कुछ कोई निकालने में गिरा होगा, या फिर पता नहीं कोई बिल्ली उल्ली गिराई होगी, या फिर जो भी हो सकता है। तो ये रहा इधर का। और जब भी सुकून चाहिए हो ना, मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये एकदम कंप्लीट व्यू दिखता है, और पूरा ओपन दिखता है, पूरा खाली दिखता है। और इधर से देखिए, ये जो है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं बैक साइड बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ही कन्फ्यूज हो रहा हूँ इधर है कि उधर है। तो ये रहा हमारा व्यू, और ये है मठिया, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, ये मठिया है, और ये मठिया का गेट है, जो कि यहाँ से बन के जाएगा रास्ता यहाँ तक। आप लोग देख रहे होंगे इधर बन भी रहा है, इधर बनने का स्टार्ट हो गया है। और ये जो है ना, ये जो गेट है, आप लोगों को इधर दिख रहा होगा, बट ये मेन जो ये रोड जाता है ना, ये वाला रोड ऐसे गया है, ऐसे करके, ठीक है, तो वो रोड पे ही आता है, वहाँ पे जाने के बाद ये रोड पे ही दिखता है। तो इधर से ये मेन रोड हो गया, और ये गोपालगंज जाता है हम लोगों का सीधा, तो ये मेन रोड हो गया, और वहीं पे है, वहाँ से डायरेक्ट मठिया में का रास्ता बन रहा है, ठीक है, क्योंकि गांव में से घूम के जाने में थोड़ा स्पेस कम है। आप लोग जानते ही हैं कि विलेज का थोड़ा जो रोड होता है वो मतलब कच्चा रोड है, तो बहुत ही कम स्पेस है, अगर कोई ट्रक वगैरह जाना हो तो मुश्किल से ही जाता है, बट थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से रास्ता बन रहा है सीधा मठिया में के लिए, स्पेशली मठिया के लिए। और ये देखिए, यहाँ से क्या मस्त लग रहा है ये मठिया, ठीक है। और ये तो DS पब्लिक स्कूल है, हम लोगों के घर के पीछे ही है। और ये रहा हमारा आंगन के लिए छोड़ा गया है इसको, और मतलब कोई गिरे नहीं इसलिए इसको ढक के रखा गया, क्योंकि इस पर भी स्टील लगेगा उस टाइप का, तो स्टील लगेगा उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो ये रहा कुछ व्यू, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा शायद, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और भी कुछ दिखाना बाकी रह गया है, बट दिखाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।